मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नाइजर में फौजी बगावत, कैनेडियन हुकाम का अफ्रीका में सरमायाकारी पर गौर। कैनेडा ने अफ्रीकी मुल्क में तकरीबन 600 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की है। माहरीन का कहना है कि कैनेडा के पास महदूद ऑप्शन मौजूद हैं। टोरंटो में 30 मिलीमीटर के करीब बारिश का इम्कान। TRCA का इंतबाही बयान जारी। TRCA का कहना है कि शहरी आबी ज़खायर के करीब जाने से एहतियात करें। बुजुर्ग जोड़े को भारत डिपोर्ट किए जाने का खदशा। हामियों का वफाकी वजीर के मॉन्ट्रियल के दफ्तर के बाहर एहतजाज। सिख जोड़े का कहना है कि भारत में उनकी जान को खतरा है। 3000 से ज्यादा अमरीकी फौजी बहीरे अहमर पहुंच गए। अमरीका के दो जंगी जहाज फौजियों को लेकर बहीरे अहमर पहुंचे। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इलाकाई तनाजात को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। जद्दा मुज़ाकरात को यूक्रेन ने रूस के लिए धचका करार दे दिया। रूस ने जद्दा मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है। चीन का कहना है कि यूक्रेन पर आज़ाद और गैर जानबदाराना मौका बरकरार है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Laito Immigration. नाइजर में फौजी बगावत कनाडा समेत मग़रिबी ममालिक को इस बात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर रही है कि आया उन्होंने मग़रिबी अफ्रीकी मुल्क में जो पैसा लगाया है उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। गैर मुतवक्का फौजी बगावत जिसने नाइजर को हंगामा आरई में डाल दिया, कनाडा समेत मगरबी ममालिक को इस बात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर रहा है कि आया उन्होंने मगरबी अफ्रीकी मुल्क में जो पैसा लगाया है उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने एक बयान में कहा कि बगावत खत्ते में जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इससे कनाडा की फौजी इमदाद भी सवालिया निशान है। पिछले 20 सालों के दौरान कनाडा ने अफ्रीकी मुल्क में तकरीबन 600 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने हफ्ते के रोज ऐलान किया कि वो नाइजर की हुकूमत को तमाम बराह रास्त फंडिंग मुअत्तल कर रही है। माहिरीन का कहना है कि आपको खत्ते की बड़ी तस्वीर में सरमायाकारी को देखना होगा, खास तौर पर पिछले 10 सालों में। अगर आप फौजी सिक्योरिटी या गैर मुल्की इमदाद के बारे में बात कर रहे हैं, साल के तौर पर कनाडा ने हर साल 50 फौजियों को टैक्टिकल सतह पर 2 हफ्तों की तरबियत के लिए भेजा है, आमतौर पर नाइजीरिया की अफवाज के लिए। माहरीन का कहना है कि कनाडा क्या कर सकता है उसकी एक हद है। महफूज इमदादी प्रोग्राम आमतौर पर हिकमत अमली की सतह तक महदूद होते हैं, तो आप फौज को फौजी काम करने की तरबियत देते हैं, लेकिन एक फौजी बगावत जाहिर है किसी और चीज के बारे में है। ये अवामी इदारों के बारे में है, ये रियासती इदारे के बारे में है, ये सिविलियन फौजी ताल्लुकात के बारे में है, फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के सिविलियन कंट्रोल के बारे में है। माहरीन का कहना है कि जो कुछ दांव पर लगा हुआ है वो यकीनी तौर पर खित्ते का मुस्तकबिल है। मैं कहूंगा ना सिर्फ नाइजर की जमहूरियत बल्कि खित्ते का भी। टोरंटो एंड रीजन कंजर्वेशन अथॉरिटी शहरियों को तकरीबन 10 मिलीमीटर बारिश होने के बाद आबी जखायर के इर्द गिर्द एहतियात का मशवरा दे रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो एंड रीजन कंजर्वेशन अथॉरिटी शहरियों को तकरीबन 10 मिलीमीटर बारिश होने के बाद आबी जखायर के इर्द गिर्द एहतियात का मशवरा दे रही है। एनवायरमेंट कनाडा GTA में 20 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर कल बारिश के साथ साथ गरज चमक के साथ
तूफान की पेशगोई कर रहा है जो मंगल की दोपहर तक जारी रहेगी। पैकरिंग, ओशावा और जनूबी डरहम रीजन के लिए मौसम का एक खास बयान भी नाफिज है, जिसमें ज्यादा मिकदार के इम्कान के साथ 20 से 40 मिलीमीटर के दरमियान बारिश की पेशगोई की गई है। जनूबी डरहम के इलाके में TRCA के मशरकी वाटर शेड्स में 40 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अथॉरिटी का कहना है कि पहले से सैरशुदा मिट्टी के साथ मुतवक्के बारिश के नतीजे में पानी की सतह में इजाफा होगा और दरियाओं में तेज बहाव होगा। फिसलन और गैर मुस्तहकम किनारों और पानी की सतह में तब्दीली का मजमुआ दरियाओं या दीगर आबी ज़खायर के करीब खतरनाक हालात पैदा कर सकता है। GTA के अंदर तमाम साहिलों और नदियों को खतरनाक समझा जाना चाहिए। टोरंटो एंड रीजन कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मजीद कहा कि नाकिस नकासी आपके साथ नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने की तवक्को की जा सकती है, ताहम इस वक्त बड़े पैमाने पर सैलाब की तवक्को नहीं है। टोरंटो एंड रीजन कंजर्वेशन अथॉरिटी पानी के जखायर के इर्द गिर्द चौकस रहने और छोटे बच्चों और पालतू जानवरों को नदियों के किनारे से दूर रखने का मशवरा देता है, क्योंकि वो गैर मुस्तहकम हो सकते हैं। वाटर कोर्सेज से दूर रहें जो पानी की सतह में तब्दीली का सामना कर रहे होंगे। उन इलाकों से बचें जो पहले ही कटाव या सैलाब का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाटर सेफ्टी वाटर शेड हालात का बयान बुध के आखिर तक नाफिस रहेगा। भारत से ताल्लुक रखने वाला एक बुजुर्ग जोड़ा कैनेडियन हुकूमत से दरख्वास्त कर रहा है कि उन्हें कैनेडा में रहने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उन्हें अपनी हिफाजत का खौफ है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। भारत से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग जोड़ा कैनेडियन हुकूमत से दरख्वास्त कर रहा है कि उन्हें कैनेडा में रहने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उन्हें अपनी हिफाजत का खौफ है। वफाकी इमिग्रेशन महाजरीन और शहरियत के वजीर मार्क मिलर के मॉन्ट्रियल के दफ्तर के सामने एक बुजुर्ग सिख जोड़े राजविंदर कौर और रणधीर सिंह की जानिब से एक दरख्वास्त के साथ मुजाहरीन जमा हुए। उनके वकील स्टीवर्ड इस्तवानफी ने मुजाहरे से कबल एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नोट किया, इस खानदान इस जोड़े को इस हफ्ते के आखिर में हिंदुस्तान भेजे जाने का खतरा है। ये जोड़ा जो अब अपने 70 की दहाई में है, 2015 में कनाडा फरार हो गया जब सिंह ने कहा कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, मारा पीटा और तशद्दुद किया। मुजाहरीन के मुताबिक रणधीर सिंह पर अस्करियत पसंदों के साथ रवाबित रखने और उन्हें पनाह देने का झूठा इल्जाम लगाया गया था। इस तवानफी ने कहा कि एक बार कनाडा में उनके पनाह गुजीन के दावे को मुस्तरद कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने इंसानी बुनियादों पर मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त दी है। जब उसका मुताला किया जा रहा है तो ये जोड़ा वजीर मिलर से आरजी रिहायशी इजाजत नामा तलब कर रहा है, क्योंकि अगर उन्हें हफ्ते के रोज मुल्क बदर कर दिया गया तो उन्हें अपनी जान का खौफ है। ईरान की जानिब से तेल बरदार बहरी जहाजों पर कब्जे के बाद अमरीका के 3,000 से जायद फौजी बुहीरा अहमर पहुंच गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईरान की जानिब से तेल बरदार बहरी जहाजों पर कब्जे के बाद अमरीका के 3,000 से जायद फौजी बुहीरा अहमर पहुंच गए। अमरीकी बहरिया ने अपने बयान में कहा कि पहले से ऐलान करदा तैनाती के लिए बहरी जहाज USS बातान और USS कार्टर हॉल नहर स्विस से गुजर कर बुहीरा अहमर पहुंचे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी सेलर्स और मैरीन्स USS बातान और USS कार्टर हॉल जंगी जहाजों पर पहुंचे और वो पांचवें बेड़े को कुमक और समंदरी सलाहियत मुहैया करते हैं। USS बातान फिक्स्ड विंग और रोटरी तैयारों के साथ साथ लैंडिंग तैयारे भी लिए जा सकता है। USS कार्टर हॉल एक गूदी लैंडिंग जहाज है और ये मैरीन्स उनके सामान और उन्हें साहिल पर उतारता है। अमरीकी फौज का दावा है कि ईरान ने गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान खित्ते में बैनुल अक्वामी परचम बरदार करीबन 20 माल बरदार या तेल बरदार बहरी जहाज़ों को या तो कब्जे में लिया है या उनका कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की है। अमरीका ने गुज़िश्ता माह ऐलान किया था कि वो ईरान को खलीज में बहरी जहाज़ों पर कब्जे से रोकने के लिए मशरक़ वस्ती में जंगी बहरी जहाज F-35 और F-16 लड़ाका तैयारे भेजेगा। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि हम इस बहरी खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कार्रवाइयों और इलाकाई तनाजात को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 5 जुलाई को अमरीका ने दावा किया था कि उसकी फौज ने ईरान की तरफ से ओमान के करीब बैनुल अक्वामी पानियों में 2 कमर्शियल टैंकर्स को जब्त करने की कोशिश को नाकाम बनाया। ईरान का मौकफ था कि एक बहरी टैंकर ईरानी बहरी जहाज से टकराया था जिसमें अमले के 5 अरकान जख्मी हुए थे। अमरीकी फौज का कहना है कि ईरान ने पिछले 2 बरस में 20 बैनुल अक्वामी जहाजों को तहवील में लिया या तहवील में लेने की कोशिश की। सऊदी अरब की मेजबानी में यूक्रेन बहरान पर जद्दा में होने वाले मुजाकरात को यूक्रेन ने रूस के लिए धचका करार दे दिया, जबकि रूस ने जद्दा मुजाकरात को मुस्तरद कर दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब की मेज़बानी में यूक्रेन बहरान पर जद्दा में होने वाले मुजाकरात को यूक्रेन ने रूस के लिए धचका करार दे दिया, जबकि रूस ने जद्दा मुजाकरात को मुस्तरद कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि मुजाकरात में शरीक तमाम ममालिक ने यूक्रेन की आज़ादी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की
और मुजाकरात में शरीक ममालिक ने आइंदा 6 हफ्तों में एक और मुलाकात पर इत्तेफाक किया। प्रेस ब्रीफिंग में यूक्रेनी हुक्काम का कहना था कि जद्दा मुजाकरात में सिर्फ यूक्रेन के मुजवजा अमन मनसूबे पर ही बातचीत हुई। यूक्रेन के मामले में चीन का मौकफ बरकरार है। चीन ने जद्दा मुजाकरात के बाद वाज़ेह कर दिया। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव से फोन पर रबते में चीनी वजीर खारजा वांग यी का कहना था कि चीन यूक्रेन पर एक आज़ाद और गैर जानबदाराना मौकफ को बरकरार रखेगा। चीन यूक्रेन के मसले का सियासी हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी बैन अल-अक़वामी फोरम पर चीन का बामकसद और अक़ली मौकफ होगा। उनका कहना था कि चीन किसी भी कसीरुल-जहती फोरम पर अमन मुज़ाकरात को अमली तौर पर फरोग देगा। इससे पहले जद्दा मुज़ाकरात से मुतालिक चीनी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया था कि बातचीत से बैन अल-अक़वामी इत्तेफाक राय को मुस्तहकम करने में मदद मिली है। वाज़ेह रहे कि हफ्ता इतवार को होने वाले 2 रोज़ा जद्दा मुज़ाकरात में अमरीका, चीन, भारत समेत 40 से ज़ायद ममालिक ने शिरकत की थी, जबकि मुज़ाकरात में रूस शरीक नहीं था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।